आइए फिर से एक बार आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा विश्रम की तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी बच्चे हमारे पास में आते रहते हैं, माँ बाप उनको लेके आते हैं और बोलते पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई करता नहीं, अच्छे मार्क्स लाता नहीं। बच्चे की जब हम टेस्ट लेते हैं, IQ टेस्ट लेते हैं, तो बड़ा इंटेलिजेंट रहता है, काफ़ी अच्छे मार्क उसने लिए रहते हैं और पढ़ाई में इतना नहीं है। माँ बाप क्या चाहते? माँ बाप ये चाहते कि पढ़ाई करो, स्कूल में जाओ, ज़्यादा मार्क्स लो। हमने कितने सारे लोग देखे हुए हैं कि उनको दो दो तीन तीन चार चार डिग्रीज है, अच्छे अच्छे डिग्रीज है, और तभी भी वो खाली पीली घूम रहे हैं, या एखादे स्कूल में या एखादे प्राइवेट कंपनी में प्यून की नौकरी कर रहे हैं। तो डिग्रीज लेके कुछ होने वाला है नहीं। डिग्रीज लेके हम सिर्फ नॉलेज का एक रोबो तैयार कर रहे हैं। असली क्या जरूरी है? असली ये जरूरी है कि उनको लाइफ जीने के, जीवन जीने के कौशल्य सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को। हर बच्चे ने कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट या कोई सरकारी अधिकारी नहीं बनने का है। हमारे एक परिचित है, वो अपने बच्चों को बड़े शहर में मतलब शिफ्ट करके लेके गए, क्योंकि एक बच्चे को बनना था बैडमिंटन का चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, उसका वो गोल था, तो उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया उन्होंने। बोले स्कूल में ठीक है, जितना पढ़ सकता है उतना पढ़ेगा, मगर हम देखेंगे कि भाई उसको ज़्यादा से ज़्यादा बैडमिंटन में वो कैसा कोचिंग मिलेगा और वहाँ कैसा वो एक्सेल करेगा। और दूसरा लड़का जो उसको चेस में इंटरेस्ट है और वो करियर उसमें बनाना चाहता है, लोग तो उनको काफ़ी बोले चेस का करियर हो सकता है, बैडमिंटन का करियर हो सकता है, मगर वो पक्के है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अंदर डाल डाल के उसको डिग्रीज हासिल करके क्या होने वाला है बच्चों में। लाइफ स्किल्स जो है, जीवन जीने के कौशल्य, जीवन जीने की कला, और वो यदि आती है बच्चों को, वो हम सिखाते हैं तो बहुत अच्छा है। मुझे तो ये लगता है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, मतलब आधा समय पढ़ाई और आधा समय बाद में एक्चुअली प्रैक्टिकली उनको क्या प्रॉब्लम आती है जीवन जीने में, प्रैक्टिकली जीवन में होता क्या है, अलग अलग उनको कौशल्य सिखाते जाएंगे मार्केट में कैसे। क्योंकि हमने देखा है कि अभी मैंने खुद ने MBBS किया हुआ है, MBBS के पूरे डिग्री लेने तक, या बाद में MD किया, वहाँ तक हमको ये नहीं बताया कि प्रैक्टिस कैसे करना, प्रैक्टिस में क्या प्रॉब्लम्स आती है। आपने यदि प्रैक्टिस चालू किया प्राइवेट प्रैक्टिस, उसमें उसको कैसा फेस करेंगे, उसमें बाकी क्या क्या तकलीफें आती है, कभी सिखाया नहीं कॉलेज में, ज्ञान बहुत दिया, तो वो देना जरूरी है कि एक्चुअली आप जब लाइफ में जाते हो तो लाइफ में क्या क्या जरूरी है। क्योंकि ये ज्ञान तो आपको कमरे में सिर्फ बैठे बैठे पेशेंट तपासते आएगा, पर एक्चुअली लाइफ में कितने प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल चलाना है तो क्या प्रॉब्लम है, लोगों के साथ में कैसा बर्ताव करेंगे, ये ज्ञान कहीं दिया ही नहीं है। हमको ये करना है कि बच्चों को पढ़ाई की लत लगाना या पढ़ाई के इसमें उनको पीछे लगाना, पढ़ाई करो, इसके साथ साथ उनको बाकी भी हम सिखाते हैं, जीवन के कौशल्य सिखाते हैं, तो एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बन सकेंगे और जीवन में वो सफल हो जाएंगे। जॉब कोई भी खराब या कोई भी बुरा या कोई भी बेकार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसने डॉक्टरी की डिग्री किया मतलब भी वो अच्छा सफल इंसान हो जाए। काफ़ी सारे डॉक्टर आपको मिलेंगे कि वो डॉक्टर बनने के बाद में भी वो असफल है, और काफ़ी सारे ऐसे लोगों के अनपढ़ है मगर बड़े बड़े कंपनियों के मालिक है। इसका ये भी मतलब नहीं कि पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है, मगर पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी जीवन के कौशल हम सिखाते हैं, लाइफ स्किल्स, और वो उनको अलग अलग तरीके से हम सिखाते हैं, अलग अलग जगह लेके जाके सिखाते हैं, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो वो हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में वो सिखाना जरूरी है। यदि हम ये सिखाते हैं तो बच्चों को डेफिनेटली एक जीवन जीने का अच्छा नया अंदाज मिलेगा, नया तरीका मिलेगा। तो माँ बाप के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि बच्चों को जब भी छुट्टियाँ रहती है, जब तो ये ट्यूशन, वो ट्यूशन, और पढ़ो, इसके बदले यदि उनको हम बाकी सिखाते हैं ना चीज़ें, मार्केट में कैसे जाना, खरीदी कैसे करना, टैक्स क्या होता है, शॉपिंग में समझो आप मॉल में गए तो क्या वहाँ केयर लेना चाहिए, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस कौन से हैं, उसकी जानकारी दे रहे,
है ना, मतलब कहीं भी जाते हैं तो वो कैसा बर्ताव करेंगे, लोगों के साथ में कैसा बर्ताव करेंगे, टीम कैसी बिल्ड करेंगे, अपना ग्रुप में कैसा काम करेंगे, और ग्रुप में काम करने में क्या तकलीफ आती है, टीम जब बिल्ड करते तो क्या तकलीफ आती है, सेल्स में क्या तकलीफ आती है, कोई भी आप किसको बेचते हैं तो क्या तकलीफ आती है। तो बेचता इस बेचना इसका मतलब कोई दुकानदारी बेचना नहीं है, मेरा पॉइंट यदि मेरे को किसको पटाने का है तो वो भी बेचना होता है। तो अपना पॉइंट किसको पटा के देने का है, मतलब कन्विंसिंग एबिलिटी है, कन्विंसिंग पावर है, कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, तो ये कैसा करना ये भी बहुत जरूरी है। और ये यदि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते तो एक सफल नागरिक डेफिनेटली तैयार हो जाएगा। ये हमारा जो मकसद है ये सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप जरूर हाथ लगा सकते हो, अपना सहयोग सहकार्य दे सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन आता है ना उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।